इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है, फोटॉन्स के पास मास क्यों नहीं होता? यहाँ पे एक थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी, बाकी फील्ड्स की तरह ब्रह्मांड में हिग्स फील्ड भी प्रेजेंट होता है। ये हिग्स फील्ड की वजह से ही यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है। इनिशियली सारे पार्टिकल्स आपका मासलेस होते हैं, जैसे ही वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको मास गेन हो जाता है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा पार्टिकल्स के पास मास आएगा, जितना कम इंटरेक्शन होगा उतना ही पार्टिकल्स का मास कम होगा। जो आपका फोटोन है वो नेग्लिजिबल है इंटरेक्शन हिग्स फील्ड के साथ, इसीलिए उसके पास मास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन कम होता है इसीलिए उनके पास स्मॉल मास होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप हिग्स फील्ड में एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो एक नए पार्टिकल की उत्पत्ति होगी, जिसे हम जानते हैं हिग्स बोसोन के नाम से। तो आज एक चीज को हम क्लियर कर ले कि हिग्स फील्ड ही वो वजह है जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट पे मास होता है, ना कि हिग्स बोसोन।